कोई राम को कहेगा तो तकलीफ होगी ना, फिर अल्लाह को सीधी सीधी गाली देना, किसी के हजूर की शान में गलत बोलना। मुस्लिमों का योगदान कम नहीं है देश के अंदर, सेनाओं में भी मुसलमान है, भारत की सीमाओं पे भी मुसलमान है, भारत की स्टोरी हिस्ट्री में भी मुसलमानों के योगदान रहे, भारत की लड़ाइयों में भी योगदान रहे, बापू गांधी से लेके और सभी लोगों के आंदोलन में भी मुसलमानों के योगदान रहे, अब्दुल कलाम भी मुसलमान था। तो ये मुसलमान होना कोई अभिशाप नहीं, मुसलमान होना कोई अपराध नहीं, मुस्लिम होना कोई जन्मजात अपराध नहीं है। देखिए, ये ईश्वर की मर्जी है कि हमें हिंदू के घर में पैदा करता है, इस्लाम में पैदा करता है, क्रिश्चियन में पैदा करता है, सिख में पैदा करता है। हम आते धरती पर इंसान ही है, ये बात बाद की है। तो और जुड़ के अगर विचार आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। हॉट टॉपिक, मेन मुद्दा, विशेष बात, खास बात। थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देख रही थी, स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज, बहुत चर्चित चेहरा, विवादित बयान, विवादित टिप्पणियां, विवाद। अपनी जाति, अपने धर्म का सम्मान करना बुरी बात नहीं, जातिवाद नहीं है, लेकिन किसी और के धर्म को नीचा दिखाना, किसी और जाति को नीचा दिखाना, वो धर्म नहीं कहता, ना राष्ट्रवाद कहता, ना कोई संप्रदाय, ना कोई समुदाय कहता, ना राष्ट्र की वो भावना होती। स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज के इस बयान का, जिस तरह की उनकी टिप्पणी आ रही है, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमा हुआ, आप ऐसी सिचुएशन पैदा क्यों करते हो? अगर कोई अल्लाह को मान रहा है तो इसमें क्या बुराई है? कोई वाहेगुरु को मान रहा है तो क्या बुराई है? आप भी तो अपने राम को मान रहे हैं ना, आप भी तो अपने शंकर को पूज रहे हैं ना, आप भी तो अपने कृष्ण को मान रहे हैं ना, आप भी तो अपनी देवी के नवरात्रे कर रहे हैं ना, आप भी तो अपनी पूजा पाठ पद्धति, धर्म, गंगा, गऊ, सनातन, राष्ट्र, भगवा, मतलब हर चीज को पूज रहे हैं आप। कण कण को शंकर मान रहे हैं, बहती नदियों को गंगा मान रहे हैं, गाय को माँ मान रहे हैं, तो कौन रोक रहा है? कोई आपको जाप करने से रोक रहा है? थोड़ा जूम कर लेना। तो कोई आपको नहीं रोक रहा है। कहने का अर्थ, अभिप्राय यह है, जिस तरह से स्वामी नरसिंहानंद जी के बयान आए, जिस तरह से नरसिंहानंद जी का को लेकर पूरे भारत के अंदर विवाद हो रहा है, इस तरह से देश टूटता है, इस तरह से राष्ट्र टूटता है। भारत बहुत खूबसूरत है और भारत की खूबसूरती सभी धर्म इसमें रहते हैं। मुस्लिम भी इसमें रहता है, हिंदू भी इसमें रहता है, ईसाई भी इसमें रहता है, सिख भी इसमें रहता है, उसी की खूबसूरती है ये। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिना कारण, बिना मुद्दे के आप ऐसे बयान दो। कोई राम को कहेगा तो तकलीफ होगी ना, फिर अल्लाह को सीधी सीधी गाली देना, किसी के हजूर की शान में गलत बोलना, या उन शब्दों का, मर्यादाहीन करने वाले शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं। मैं ऐसा मानती हूँ, आप राष्ट्रवादी बनिए, अच्छी बात है, कट्टर हिंदू बनिए, बहुत अच्छी बात है, धर्मवादी बनिए, अच्छी बात है, गऊ का सम्मान करिए, अच्छी बात है, पर बिना कारण प्रतिक्रिया देना, बिना कारण किसी के धर्म को टारगेट करना, चाहे वो मुस्लिम ही है, फिर आप भारत में जब रहने का, भारत का संविधान इजाजत देता है, तो आप कौन होते हो किसी को इतना गलत ठहराने वाले? मुस्लिम आबादी कम नहीं है देश के अंदर, मुस्लिमों का योगदान कम नहीं है देश के अंदर, सेनाओं में भी मुसलमान है, भारत की सीमाओं पे भी मुसलमान है, भारत की स्टोरी हिस्ट्री में भी मुसलमानों के योगदान रहे, भारत की लड़ाइयों में भी योगदान रहे, बापू गांधी से लेके और सभी लोगों के आंदोलन में भी मुसलमानों के योगदान रहे, अब्दुल कलाम भी मुसलमान था। तो ये मुसलमान होना कोई अभिशाप नहीं, मुसलमान होना कोई अपराध नहीं, मुस्लिम होना कोई जन्मजात अपराध नहीं है। देखिए, ये ईश्वर की मर्जी है कि हमें हिंदू के घर में पैदा करता है, इस्लाम में पैदा करता है, क्रिश्चियन में पैदा करता है, सिख में पैदा करता है, हम आते धरती पर इंसान ही है, ये बात बाद की है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, कि स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज को लेके, कि स्वामी जी आपके बयान से लोगों के घरों पे पत्थरबाजी हो रही है, स्वामी जी आपके बयान से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, स्वामी जी आपके बयान से माहौल खराब हो रहा है, देश की संपत्ति जल रही है, स्वामी जी आपके बयान से कई युवा और भड़केंगे, हिंदू भी और मुसलमान भी, स्वामी जी आप इस तरह के बयान ना दें जिससे जहर, नफरत, देश टूटता हो, ये देश बड़ी मुश्किल से अमन, शांति और तरक्की की ओर जाए।